मैं आ गया हूँ अकबर के किले में। और भैया हॉस्पिटल कहाँ है? धोरे को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ मुरादाबाद, मम्मी को दिखाना है वहाँ पे, कुछ ऐसी थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम मम्मी को, वो दिखाने जा रहा हूँ। और चलिए मिलता हूँ आपको मुरादाबाद, दिखाते हैं आज कैसे क्या है। और हम जा रहे हैं ट्रेन में, आयुष से आएगा स्कूल। तो अभी हम जा रहे हैं और आयते और आयुष पानी वानी चाह रहे थे, अभी निकलते हैं हम लोग। वो रही मम्मी, तैयार हो गई, चलती है अब। अभी हम लोग रामनगर पहुंच गए और आज हम ट्रेन से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि परसों हम बस से गए थे, तो हमने 12 बजे पहुंचना था, हम पहुंचे बाद 2 बजे, तो इसलिए हम ट्रेन से जा रहे हैं। ट्रेन हमें 1 घंटे में छोड़ रही है, बहुत से बहुत 1.5 घंटे में छोड़ रही है, एटलीस्ट 12 बजे तक हम पहुंचे जाएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए रामनगर रेलवे स्टेशन पर और अब जाएंगे अंदर, अंदर से लेंगे ट्रेन, फिर मिलते हैं आपको आगे। अपनी ट्रेन रहना रेडी है, हम लोग अंदर जा रहे हैं, मिलते हैं आपको। हमको सीट मिल गई है क्योंकि हमारे बुक कर रखे ना, ये अपना नंबर। लगभग 8 बिलियन लोग हर साल भारतीय रेलवे से सफ़र करते हैं और लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क भी है, तो जिससे आपको पता चल जाता है कि कितने सारे लोग रेल में सफ़र करते हैं और हम भी उसी में करने वाले हैं। तो ट्रेन अब चल पड़ी है रामनगर से, अब हम लोग रामनगर को छोड़ने जा रहे हैं। और तो हम लोग पहुंच गए मुरादाबाद और अब जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ को, ट्रेन में बहुत भीड़ थी यार। लो जी आ गए अनुष्का अस्पताल में, विराट कोहली ने भी अस्पताल खोल लगा, बताओ यार हद हो गई। अभी हम हॉस्पिटल से बाहर निकले हैं और अभी हम जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराने मम्मी का, पता नहीं पेट में कितनी प्रॉब्लम लेके बैठी है बेचारी। आगे कहीं अकबर का किला है, वहाँ जा रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। हम मुरादाबाद पहुँचने के बाद हॉस्पिटल घूमने के बाद ऐसा मन कर रहा है घर चलो सीधे। फाइनली मैं आ गया हूँ अकबर के किले में और आपको दिखाता हूँ फ्लिप करके कैमरा। ये रहा अकबर का किला, ये पूरा किला अकबर का किला है, अंदर पता नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे। तो अभी मैं आ गया हूँ नमन शुद्ध शाकाहारी वेज बिरयानी के पास और काफ़ी अच्छा टेस्ट है भाई का, बनाए जा रहे खाए जा रहे। यूपी में आके कुछ नया तो खाएंगे ना, तो थोड़ा सा मैं भी ले लेता हूँ, सादा है सिंपल है, खा लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप परेशान हैं ज़िंदगी में तो एक बार हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, फिर आपको लगेगा कि आपसे भी ज़्यादा परेशान बहुत सारे लोग हैं। सो इसलिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टिल देन टेक केयर, मिलते हैं आपको। रोड के पार जाना है मुझे और मम्मी वहीं हैं बिरयानी वाले भाई के पास। जैसे ना यूपी में किसी को कुछ पूछ लो, जैसे कि भैया हॉस्पिटल कहाँ है, को है धोरे को, मैं मॉल के धोरे को पड़ेगा, हाँ मैं सीधे हाथ को चले जाइए 100 मीटर में, वहाँ पड़ेगा जा। वो देखिए आप इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का जो सामने भी दिख रहा है ना, वो जो उन्होंने बना रखा है वो एक डमी टाइप का, और जो बुला रहा है पेट्रोल भरने के लिए, हमको सारे लोगों को पेट्रोल भरने के लिए बुला रहा है। मम्मी कह रही अपने नाती के लिए ले जाते इसको। खेलते रहेंगे। तो फाइनली मुझे और मम्मी को रूम मिल गया, थोड़ा आराम कर लेंगे रूम में, थोड़ा आराम कर लेते हैं। ऊपर टीवी भी है, भैया हॉस्पिटल है, यह होटल का रूम, चलो कोई नहीं, अच्छा है। चलो मम्मी ने हल्ला हल्ला करा फिर उनको रूम मिली, नहीं तो आराम करने के लिए भी जगह नहीं भी दे रहे थे, बताओ यार हद हो गई। उस्ताद के एक को पड़े थे मैंने, बड़ा बड़ा गजब बना रखा ये। ऐसा काम यूपी वाले कर सके, यूपी वाले कर सके सब। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो गई है, सुबह के बज गए 7, मैं आया हूँ बाहर थोड़ा चाय वाय लेने मम्मी के लिए, कल ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि डॉक्टर को थोड़ा दिखाना था, लेट हो गया बहुत और कल यहीं रह गए, अब आज जाते हैं घर को। चाय लेके जा रहा हूँ मम्मी के लिए, फिर मिलता हूँ। अब हम जा रहे हैं रामनगर की तरफ को और मिलता हूँ आपको
रेलवे स्टेशन पे। अभी हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और हम जाएंगे यहाँ से घर को। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस।